अजब गजब घर जमाई। अरे पता नहीं हमारी डॉली बिटिया कहाँ चली गई। तुलसी जी, डॉली जी आप ही के सामने कह रही थी ना कि अगर साड़ू भाई को एनिवर्सरी याद नहीं रही तो वो कुछ कर बैठेंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने घर छोड़ने जैसा बड़ा फैसला कर लिया। ओह, चिंटू, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे कैसे पति हो तुम? अरे अपनी आंट शंट की स्कीमें तो याद रहती है लेकिन अपनी सालगिरह याद नहीं। नानी जी, इसमें चिंटू जी की क्या गलती है? अगर वो शादी की सालगिरह भूल गए हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे बेटी, इसके भूलने की वजह से हमारी डॉली बिटिया ये घर छोड़कर चली गई, ये तो बहुत बड़ी बात है। नानी जी मुझे थोड़ा सा। साड़ू भाई, मतलब हम सब जानते हैं आपको टेंशन हो रही है, पर गलती तो आप ही की है ना, आप ही की वजह से डॉली जी घर छोड़ के गई है। चिंटू बेटा, गलती तुम्हारी थी और तुम्हारी वजह से हमारी नातिन बाहर चली गई है। अब कैसे वापस आएगी, कहाँ ढूंढेंगे उसे हम? नाना जी मेरी बात तो सुन लो आप लोग। तुम हमारी बात सुनो चिंटू चौटाला, अगर तुम्हारी वजह से हमारी डॉली बिटिया को कुछ हो गया ना तो हमारी बंदूक का निशाना तुम बनोगे। डॉली बिटिया ना हो। किसकी शादी है जी? ओ भाई रहन दे, बंद कर ये बाजा, पहले ही बाजा बजा हुआ है। जिसके चक्कर में बुलाया था तुझे वो छोड़ गई मुझे। चलो भाई हो गया काम, फिर कभी बुला लूंगा, जाओ धन्यवाद बहुत बहुत। चलो चलो। अब आंखें खुल गई आप सब लोगों की। खामखा चिंटू जी को दोष दे रहे थे आप लोग। आप लोगों ने अगर तिल का ताल नहीं किया होता ना तो आज ये सब कुछ नहीं होता। डॉली की उम्मीदों को तो आप लोगों की बातों से ही हवा लग गई और खामखा चिंटू जी को खलनायक बना दिया आप लोगों। सारी तैयारी करके बैठा था मैं तो शाम की, और मेरी सारी तैयारों का आपने बाजा बजा दिया साथ में मिलके। मैंने सोचा था शाम को पूजा के बाद ना डॉली जी को उपहार दूंगा, ये बाजा केक दे लो बाजा। थोड़ा सा भी विश्वास नहीं है ना आप लोगों का मेरे ऊपर? देखो मेरी शादी की सालगिरह का क्या बना दिया आप लोगों ने। नहीं नहीं, हमें विश्वास था, अब कहना चाह रहे थे पर हम कह नहीं पाए। चिंटू देखो, हम सब ने तुमको गलत समझा, गलती हो गई सबसे, लेकिन अभी मुद्दा ये है कि डॉली बिटिया अभी तक घर नहीं आई, उसको ढूंढना है। हम ये वादा करते हैं कि हम डॉली बिटिया को कहीं से भी ढूंढ के लेकर आए। नहीं नहीं नानी जी आप रहने दो, मैं ढूंढ के ले आऊंगा डॉली जी को। पर कैसे? वो पता नहीं कैसे नाना जी, लेकिन बस ले आऊंगा। जय श्री राम, करा दे चिंटू चौटाला का इतना सा काम। चिंटू जी क्या ढूंढ रहे हैं आप? ऐसे ढूंढने से डॉली मिल थोड़ी ना जाएगी। अरे वो डॉली जी की एक डायरी है, उसमें उनकी सारी सहेलियों के नंबर और पते लिखे हैं। मैं सबको एक एक करके फोन करूंगा, पूछूंगा डॉली जी हैं, डॉली जी हैं। उनमें से कोई कह देगी हाँ डॉली जी हैं तो जाकर के ले आऊंगा फटाफट। चिंटू जी आप भी ना डॉली को नहीं पहचानते हैं क्या? वो अपनी डायरी भी कहीं छुपा कर गई हो, ठीक जैसे सीरियल्स में होता है ना, बिल्कुल वैसे। क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है जी। बताओ, मैं तो अपनी बारहवीं डॉली से इतना प्यार करता हूँ और देखो ऐसे छोड़ के चली गई मुझे बीच मझदार में, ना तीन में ना तेरा में। क्या करूं क्या करूं मैं? दूसरी शादी। बताओ डॉली बिटिया अपना फोन भी छोड़ गई, अब कैसे पता लगाए कहाँ गई है? कुछ बिहारी, हमारी बिटिया जहाँ कहीं भी हो बस कुशल मंगल घर आ जाए, हम बाकी बिहारी को 5 किलो माखन चढ़ाएंगे। चिंटू जी, डॉली जी का कुछ पता चला? नहीं, अब तो डॉली जी को पुलिस ही ढूंढेगी। पुलिस? पर साड़ू भाई अगर पुलिस आ गई तो तरह तरह के सवाल पूछेगी और बाहर बात फैल गई तो बदनामी होगी ना घर की। साड़ू भाई, परिवार का सदस्य नहीं मिलेगा तो परिवार को मिलने वाली इज्जत का अचार डालोगे आप? वैसे भी डॉली जी को आज शाम तक घर वापस आना ही पड़ेगा, वरना शामिल कैसे होंगी वो शादी में? किसकी शादी? मेरी। हाँ मैंने फैसला कर लिया दूसरी शादी करने का। एक मिनट, इधर आओ, सीरियस मामला। क्या कर रहे हो? सीढ़ी से गिर गए हो क्या? कुछ चोट-वोट लगी है? बैकी-बैकी बातें कर रहे हो? पूरे होशो आवाज में हूँ मैं नाना जी। साड़ू भाई, ये डॉली जी अगर घर छोड़ के चली भी गई है तो ये डिसीजन लेना सही नहीं है आप दोनों के लिए।
अब आप जोश में आके ना बस होश खो रहे हैं और कुछ नहीं। होश नहीं, मैं डॉली जी का विश्वास खो के बैठा हूँ साडू भाई, इसीलिए फैसला किया है कि मैं दूसरी शादी करूंगा और वो भी आज शाम को ही, फर्स्ट क्लास मुहूर्त है आज शाम का। चिंटू बेटा, चिंटू जमाई जी सुनिए तो, चिंटू जमाई जी। तुलसी जी, मेरा ना एक्चुअली मेरे ना फोन की बैटरी खराब हो गई है, कैन आई यूज योर फोन, बस एक मैसेज करना है। थैंक यू, मैं अभी आता। हेलो डॉली जी। हेलो, आप कौन? मिहिर जी? नहीं नहीं, मैं कृष्णा बोल रहा हूँ। डॉली जी आप ना बस जल्दी से घर वापस आ जाइए। वापस? लेकिन हम तो अभी पहुँचे अपनी सहेली के यहाँ, आपने तो भेजा था और आप वापस बुला रहे हैं। हाँ हाँ वो सब ठीक है, सारा प्लान उल्टा पड़ गया डॉली जी। मुझे लगा था कि आपको घर पे ना पाके चिंटू जी एकदम चिंतित हो जाएंगे और मैं उन्हें बेइज्जती करने का मौका पालूंगा। क्या आपको क्या मौका मिलेगा? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि आपको इससे कुछ नहीं मिलेगा डॉली जी, आप बस घर वापस आ जाइए। अरे चिंटू जी तो दूसरी शादी कर रहे हैं, वो भी आज ही। दूसरी शादी? हे कन्हैया जी, ये आप क्या कह रहे हैं? डॉली जी मेरा नाम ना कृष्णा है, कन्हैया नहीं है। ओहो कृष्णा जी, हम ऊपर वाले से बात कर रहे थे। अरे डॉली जी ऊपर वाले को बाद में पुकारिएगा, अभी पहले टैक्सी वाले को पुकारिए और जल्दी से घर वापस आ जाइए, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, आप रखिए हम आते हैं। कृष्णा जी, जी वो मेरा फोन मैं वापस ले लो। या ऑफ कोर्स, आई एम सो सॉरी, मैं फोन कॉल पे यहाँ पे आ गया था, मैं नानी जी से मिल के आता हूँ। कृष्णा ये अच्छा अपनापन दिखाया तुम, अरे तुमसे अच्छे तो दुश्मन होते, लेकिन तुमने तो गले लगकर गला ही काट दिया। अरे हमने तुम्हें अपना समझकर अपने परिवार से जोड़ा और तुमने हमारे ही परिवार को तोड़ा। नहीं नानी जी, नानी जी मैंने तो ये सिर्फ इसलिए किया, मुझे लगा शायद दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे तो उन्हें एक दूसरे की इम्पोर्टेंस रियलाइज हो जाएगी। नानी जी मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बट नानी जी मेरी इंटेंशन बिल्कुल गलत नहीं थी, आप चाहें तो मुझे सजा दे सकते, मुझे मंजूर है। देखो कृष्णा बेटा, तुम्हारी नीयत गलत नहीं थी लेकिन तरीका गलत, अब तुम्हारी सजा यही है कि ये जो आग तुमने लगाई है ना तुम ही बुझाओ। मैया मैया मैया, चिंटू जमाई जी दूसरी शादी करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या? और वो भी अपने घर में कर रहा है दूसरी शादी, इतनी हिम्मत देखो उसकी। ये पानी तो सर के ऊपर चढ़ गया है, ये चिंटू चौटाला हमारी छत के नीचे हमारी आंखों के सामने हमारी नातिन को छोड़कर किसी दूसरे से शादी कर रहा है। जाओ उसे जाके समझाओ, क्योंकि अगर हम समझाने लगे ना तो हमारी बंदूक की 2-3 गोलियां खर्च हो जाएंगी। चलो चल के देखते क्या देखेंगे, चलो चलो। साडू भाई ये दूसरी शादी का आइडिया छोड़ दो ना यार। चिंटू बेटा देखो, मैंने तुम्हारा एक बार हाथ भी देखा था, तुम ये दूसरी शादी का आइडिया छोड़ दो, और तुम मेरी दिल से इज्जत करते हो ना तो ये शादी मत करो। चिंटू जवाई जी मत करिए ना, हम हाथ जोड़ते हैं। मैं जरूर करूंगा और आपकी इज्जत करता था, हमेशा करता रहूंगा, लेकिन हाँ मुझे एक बात पता लग गई है, शक्तिशाली खानदान का जमाई बनना ना बहुत मुश्किल का काम है, इसीलिए आपको यानी कि इस शक्तिशाली खानदान के सबसे पहले जमाई को चिंटू चौटाला का सलाम। अरे यार छोड़ दो ना शादी का आइडिया, इतना क्या प्रॉब्लम है? चिंटू भाई बैंड बाजा बारात पंडित सबका इंतजाम हो गया, डोंट वरी। चिंटू जी हमें कृष्णा जी ने सब बता दिया है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो रही थी, चिंटू जी हमें माफ कर दीजिए, हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। ऐसी नहीं तो वैसी करोगी। देखिए चिंटू जी आप गुस्से में आकर ना गलत काम कर रहे हैं। हाँ और वैसे भी क्या खास बात है आपकी नई दुल्हन में जो आप हमारी गलती की वजह से हमें छोड़कर उससे शादी कर रहे हैं? क्या बताऊं उस दुल्हन के बारे में,
एक खास बात हो तो बताओ, उनकी खासियत की लिस्ट तो हमारे देश की जनसंख्या की लिस्ट से भी बहुत लंबी है। हाँ हाँ हाँ, कितनी सुंदर है वो, हैं? मासूम सा चेहरा, छोटी छोटी आंखें, ब्यूटीफुल नाक, बोलती है ना तो ऐसे फूल झड़ते हैं। वाह 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 वाह, और क्या बताऊं, हैं? यूं समझो कि आज के जमाने की पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है वो, मेरा तो भाग जाग गया। वाह वाह वाह, वो लड़की है कौन? डॉली जी, देखो क्या है ना, शादी होगी उसके बाद मुंह दिखाई की रस्म होती है, तो आज मुंह दिखाई की रस्म होगी आपके इसी घर में, तब देख लेना। जिंटू जी, अब चलिए, भी बाकी तैयारी अभी तो करनी है। अरे वाह तुलसी, तुम्हें हमारा घर तोड़कर बहुत अच्छा लग रहा है ना? नहीं, पर चिंटू जी का घर बसाकर अच्छा जरूर लग। आप लोग चलो, चेंज करके आता हूँ मैं। क्या करके? चेंज। मैं कुछ भी आ रही हूँ, मैं ही कुछ करेंगी। मैं अब कुछ नहीं होगा, उसने तय कर लिया है। अजब गजब घर जमा।